अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है इंदौर से। कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया है, इंदौर में सख्त लॉकडाउन पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कैलाश विजयवर्गीय ने अलोकतांत्रिक और तानाशाही भरा निर्णय ये बताया है। निर्णय पर पुनर्विचार होना चाहिए, प्रशासन और जनप्रतिनिधि मिलकर विचार करेंगे, कहना है कैलाश विजयवर्गीय का। ट्विटर के माध्यम से उन्होंने ये कहा है, इंदौर में सख्त जो लॉकडाउन लगाया गया है, 10 दिनों की जो सख्ती की गई है, सख्त पाबंदी है इंदौर में, इसको लेकर तीखी प्रतिक्रिया कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से दी गई है। अलोकतांत्रिक और तानाशाही भरा इसको निर्णय कैलाश विजयवर्गीय ने बताया है और ये उनका ट्वीट है। तो कैलाश विजयवर्गीय ने ट्विटर के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने लिखा, आखिर क्या जरूरत है एक अलोकतांत्रिक और तानाशाही भरे निर्णय को इंदौर जैसे अनुशासित शहर पर थोपने की। जिस निर्णय की सर्वत्र निंदा हो रही हो, उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।